गाइस यार ये है बटरफ्लाई, इसको हमने बनाया सेफ्टी पिन और रबर बैंड से, और पेपर तो लगेगा ही, और ये पूरा रियल बटरफ्लाई की तरह फ्लाई करता है। एक सेफ्टी पिन को क्या करेंगे, कुछ इस तरह से काट लेंगे, काट के कुछ इस तरह से मोड़ लेंगे, ठीक है। तो हमको कुछ ऐसा एक सेफ्टी पिन मिल जाएगा, जिसको साइड पे रख देते हैं, और दो नंबर वाला जो सेफ्टी पिन है उसको हम कुछ इस तरह से पीछे प्लस के मदद से मोड़ लेंगे। देखो यार कुछ ऐसे, ये भी बन गया, इसको भी साइड पे रखते हैं। तो उसके बाद पहले वाला सेफ्टी पिन ले लेंगे एंड ले लेंगे रबर बैंड, रबर बैंड को कुछ इस जगह पर फंसा देंगे। तो देखो यार खूब आसानी से यहाँ पर फंस जाएगा, ठीक है। तो इस रबर बैंड को इस सेफ्टी पिन के नीचे से कुछ इस जगह से घुसा देंगे एंड घुसा कर कुछ इस जगह पर फंसा देंगे, ठीक है। तो देखो यार ऐसे एंड प्लस के मदद से टाइट कर देंगे कि ये ना खुल जाए। एंड ये सब करने के बाद अब हम ले लेंगे कलर पेपर। अभी आप कोई भी कलर का पेपर ले सकते हो यार। तो हम पेपर के ऊपर कुछ ऐसा ही एक बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है एंड इसको कट कर लिया है, देखो यार कुछ ऐसे, एंड इसको बीच से कुछ इस जगह से काट लेंगे, ठीक है। तो हमको दो मिल जाएगा एंड और भी दो दो विंग्स ऊपर का हम काट के रखा था, ठीक है। तो देखो यार कुछ ऐसा, एंड उसके बाद और भी दो तीन चार हमने कलर पेपर का टुकड़ा कट कर लिया है डिजाइन के लिए, ठीक है, जो बटरफ्लाई का डिजाइन बनेगा। यहाँ पर आप कोई भी कलर का पेपर लगा सकते हो, मैं बोल रहा हूँ यार, ठीक है, नहीं तो यार हमारा कलर का पेपर भी लगा सकते, देखने में यार काफी अच्छा लग रहा है। तो सारे पेपर को चिपकाने के बाद कुछ ऐसा देखने को लगेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सेफ्टी पिन के ऊपर टेप की मदद से कुछ इस तरह से चिपका देंगे विंग्स को, ठीक है। तो ऐसे ही आप चिपका देना, तो बहुत ही आसान है यार, आप चिपका लोगे एंड ऊपर का जो तो विंग्स है वो भी हम ऊपर चिपका देंगे। तो चलिए जल्दी से चिपका देते हैं। और आपका इस बटरफ्लाई को बनाओगे तो मुझको कमेंट करके जरूर बताना, एंड बनाने के बाद आपका जो बटरफ्लाई है उसको मुझको इंस्टाग्राम पर टैग जरूर करना, ठीक है। चलो देखते हैं यार कितने लोग बना पाते हैं। तो बटरफ्लाई के ऊपर का हिस्सा कुछ ऐसा करके आपको घुमाना है एंड ऐसे करके छोड़ देना है, तो ये उड़ जाएगा।